हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ पिंड बलूची इन बहादुरगढ़ हरियाणा, जो कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन होने वाला है ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जो कि ग्रीन लाइन पे अवेलेबल है। तो गाइस अब चलते हैं पिंड बलूची, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और स्टेयर्स के थ्रू से अभी चलेंगे। और अगर सामने देखे तो फ्यूजन बार एंड द किचन, जो कि सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है। और सुना है हमने कि पिंड बलूची एंड द फ्यूजन दोनों एक ही हैं, तो देखते हैं आगे। जैसा कि अभी देखें, बहुत ही अच्छा। ये देखो हमारे दोनों के दोनों भाई, ये गौतम भाई और इंद्रजीत भाई, ये दोनों के दोनों यहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं। और ये देखो पिंड बलूची वाले जो अंकल है ना, उसको परेशान कर रहा है क्योंकि इनकी मस्ती तो यहीं से शुरू हो गई है। देखो दाढ़ी का मैच कर रहा है, देखो ये देखो इनकी दाढ़ी और इनकी दाढ़ी दोनों की मैच कर रही है। ये पिंड बलूची वाले भैया भी बाहर आ गए, वो भी देख रहे हैं कि बोले आज कौन आ गया यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही पिंड बलूची के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ का जो थीम देखने को मिलता है वो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखें काफी अच्छा व्यूज है, यहाँ पे जो सिटिंग जो बना रखी है बहुत ही अच्छा। वैसे भी इस रेस्टोरेंट का जो नेम है काफी फेमस नेम है, पंजाबी थीम में बनाया हुआ है, और जिसको नहीं पता है तो वो आज मैं बता दूंगा। और ये जो रेस्टोरेंट है मेन रोड पे, जो कि बहादुरगढ़ वाली लाइन पे बना हुआ है। देखो भाई लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्यूजन में बैठना है या फिर पिंड बलूची में ही बैठेंगे, क्योंकि फ्यूजन भी एक इन्हीं की ही ब्रांच है जो कि जस्ट सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है। तो अभी डिसाइड हुआ है कि अब हम चलने वाले हैं फ्यूजन में और वहीं पे बैठ के ही खाना खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा वहाँ का टेस्ट है, क्योंकि पिंड बलूची और फ्यूजन एक ही है। आए हैं ये हैप्पी आवर्स, जो कि फ्यूजन बार एंड द किचन, यहाँ पे आ गए। यहाँ का भी जो लुकिंग है बहुत ही अच्छा। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे फ्यूजन में, तो यहाँ पे ये है रिसेप्शन जहां से कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो गौतम भाई यहाँ पे ऑलरेडी पहले से खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज देखते हैं। अगर यहाँ का व्यूज देखे तो काफी अच्छा है, यहाँ पे जो ड्रिंक्स वगैरह है काफी अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पे जो सिटिंग अगर यहाँ से ये कर्टेन लगा हुआ है, अगर यहाँ से बाहर की साइड, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो गया है तो बाहर की साइड से नहीं दिखेगा, लेकिन मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है, यहाँ से अगर व्यूज आता है तो मेट्रो का व्यूज आता है। यहाँ पे आप लाइव, जो कि आप अभी आईपीएल चल रहा है तो आप आईपीएल का भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। काफी लोग हैं यहाँ पे जो कि आते हैं और अपनी जो पार्टी वगैरह करते हैं। ये टेबल्स वगैरह काफी अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बात करें यहाँ पे अगर म्यूजिक की तो काफी अच्छा है यहाँ पे, जो कि बॉलीवुड एंड पंजाबी सॉन्ग्स यहाँ पे रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पिंड बलूच का ही पार्ट है फ्यूजन। तो यहाँ पे जैसे आईपीएल मैच चल रहा है, फ्लोर लगा रखा है यहाँ पे, अगर वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह है तो वो भी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है। तो गाइस जैसा कि देखें यहाँ पे जो ड्रिंक्स के जो शौकीन है या अपने फ्रेंड्स के साथ में जो पार्टी वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे देखने को मिले, कितना स्टाइलिश में जो कि बनाया हुआ है फ्यूजन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चल रहा है कि अभी इनको लेना क्या है, बहुत देर से। ये देखो जो आपको मेन्यू कार्ड मिलेगा वो इसको स्कैन करने के बाद में ही मिलेगा। ये बहुत अच्छा, जो यानी कि मोदी जी ने जो बोल रखा है ना डिजिटलाइजेशन, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको स्कैन करते हैं तो आपको अपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको मेन्यू कार्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो आपको जैसे सिलेक्ट करके दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए जो इनका मेन्यू कार्ड है वो यहाँ से मिल जाता है। ये पिंड बलूच का ही एक पार्ट है इन्फ्यूजन। ये देख सकते हैं आप इन्हें। तो गाइस ये देखो इनको भी इनका जो फेवरेट है वो इनको मिल गया।
आए हाय ये देखो काफी दिनों से इनका वेट था कि हम पार्टी करें। बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे बट प्लान हो नहीं पा रहा था। आज हमने टाइम निकाल कर आए हैं यहाँ पर पिंट बलूची में ये भी काफी खुश है। ये पार्टी बहुत दिनों से पेंडिंग में इंद्रजीत भाई की तरफ से ये इनकी साइड से पार्टी है ये इनकी ज्वाइनिंग पार्टी है। थोड़ा सा वेट करने के बाद में भैया आ गए हैं शेक लेके। अब इसको ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट होता कैसे है क्योंकि लग तो बहुत अच्छा रहा है कि स्ट्रॉबेरी शेक आखिरकार मेरे को मिल गया। ये दोनों तो अपने में मस्त है लेकिन अब मुझे भी जो कि थोड़ा प्यास लग रही थी तो अब शेक से ही अपनी प्यास बुझाएंगे। टेस्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे ही मैं अगर शेक का टेस्ट का रिव्यू दे रहा हूँ तो ये देखो इंद्रजीत भाई इनका मन कर रहा है कि भाई अगर तुमने शेक छोड़ा और तुमने शेक का टेस्ट तो क्या तारीफ तो मतलब मैं छीन लूंगा मैं डेढ़ भी नहीं बनी रही। नहीं 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 ये गलत बात नहीं तो वो वाला कंडीशन है नॉनवेज वाला अगर शेक अच्छा है तो शेक को चेंज करना पड़ेगा। शेक अच्छा है तो हमें भी पिलाओ लेकिन इसके बदले में आपको ये लेना पड़ेगा। आज वो अभी नॉनवेज आने वाला है भाई इसके हम इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि हम वेज ही खाएंगे उसमें नॉनवेज हम पूरा आपका साथ देंगे। तो अब हमारे लिए प्लेट भी आ गई है और बाउल्स भी आ गए हैं। अब हो गए हम रेडी खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है अब काफी। गौतम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि देखें मेरे को तो ये लेग पीस तो गौतम भाई को ही मिला। मैं झगड़ा कर गया था ये झगड़ा कर गए थे ये देखो बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद कुपोषित मुर्गी थी क्योंकि इन्होंने पिछली बार पिछले होटल में जब गया था तो इन्होंने जबरदस्ती मेरे से छीन खा लिया था। इस बार मैं जबरदस्ती इनसे छीन के खा रहा हूँ इससे छीन के खा रहा हूँ जरा उनका शक्ल दिखाइए छीन लिया मैंने। तो गाइस जो ये गौतम भाई है ना ये मुंह से जिन्ने में बड़े काबिल हैं। तो गाइस जैसा कि हमारे पास में चिकन रारा तो आ गया था और हमारे पास में नान भी आ गई है। तो अभी देखो यहाँ पे नान का टेस्ट करते हैं सबसे पहले। जो ग्रेवी है वो तो काफी अच्छी है तो हमने डिमांड करी थी कि स्पाइसी होना चाहिए वैसा स्पाइसी तो हमें मिला है यहाँ पे। जो चिकन दारा का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है यानी कि जैसा स्पाइसी हमें चाहिए था वैसा ही मिला भी है। अगर आप यहाँ पे डिमांड करते हैं कि थोड़ा स्पाइसी अगर कम रखना है तो वो हो जाता है वो ऑन डिमांडिंग है। तो इंद्रजीत भाई आपको कैसा लगा यहाँ का? मजा आ गया। जैसा कि हमने पहले कहीं ट्राई किया था यहीं बाथरूमगढ़ में ही उससे अच्छा है यहाँ पे।
गौतम भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसा कि हमने पहले इससे पहले पिछले वीक में चिकन रारा खाया था और वहाँ का तो अच्छा था, बट यहाँ पर खा रहा हूँ उससे भी बेस्ट लग रहा और बेस्ट ये लग रहा कि मैंने ये इंद्रजीत भाई का मैंने ये लेग पीस चेंज लिया है और ये लेग पीस खाने में आए आए मजा आ गया इनको एकदम सुपर मजा आ गया। इन सब तीन तो मुझे खाने में ज्यादा मजा आ रहा है। कभी कभी हम दे देते हैं अपनी दान कर देते हैं। इंद्रजीत भाई ये दान वाली बात तो नहीं है, ये बात तो छीनने वाली है और इन्होंने छीना है। हमारा कॉपीराइट है। ये दान वाली बात नहीं है, अगर दान वाली बात है तो आप इसको मैं वीडियो को रिपीट कर देता हूँ, आप देख लो मैंने इनके मुंह से छीन के लिया है, वीडियो को रिपीट करके दिखाता हूँ अभी देखो। बहुत बढ़िया, जैसा कि बताते हैं टेस्ट है वो हमारे गौतम भाई को बहुत ज्यादा पता है कि क्योंकि नॉनवेज में ये परफेक्ट है। अगर कहीं का टेस्ट अगर इनको पता करना है तो मैं गौतम भाई को जरूर लेके आता हूँ क्योंकि ये बनाते भी बहुत अच्छा है और कहीं पे बना हो तो उसका टेस्ट करने में तो इनको पता लगेगा ही। इंद्रजीत भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलिए क्योंकि आपके आपके मुंह से छीना इन्होंने। इंद्रजीत भाई बोल नहीं रहे हैं इसलिए कि मैंने इनके मुंह से ये लेग पीस छीन लिया है, इनकी बोलती बंद हो गई है। अगर एक्चुअली वो कुपोषित लेग पीस था, एक्चुअली वो लेग पीस होता वो कुपोषित नहीं कुपोषित तो बात नहीं है क्योंकि छोटा सा था बेचारा उसको जाने दिया मैंने, बड़े वाला हमेशा मेरे पास ही है। चलो अभी वीडियो के साथ में बने रहें क्योंकि अभी और भी चीजें बातें करेंगे क्योंकि और भी चीजें हैं जो अभी हमें ऑर्डर करनी है, तो अभी हमें एंजॉय करते हैं। पहले अभी सेम कोर्स इतना अच्छा लगा कि हमें इसको रिपीट कर दिया है एंड रिपीट में देखते हैं सेम जैसा टेस्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बड़ा लाजवाब बनाया था, सेकेंड टाइम फिर देखते हैं क्या बनाया। तो गाइस जो अभी हमने खाया है चिकन रारा बहुत टेस्टी था। अभी जो खाने के बाद में क्योंकि हमें इतना भी खाया नहीं है लेकिन आज मन किया कि वापस रिपीट कर देते हैं तो वापस एक और प्लेट हमने रिपीट करवाई है। अभी देखते हैं कि सेम टेस्ट आता है या नहीं है या उससे बेटर आएगा। हमने खा के बहुत खुश हुए हम। अभी हमने जो लेग पीस खाया था उसके बाद हमारे पास लेग पीस दूसरा आ गया है, ये लेग पीस है आप उसको दूसरा पीस ना समझे और ये मैंने दोबारा छीन लिया है, ठीक है? तो अगले होटल में जाएंगे और पता करेंगे देखेंगे कि कौन किसका छीनता है। वापस लेके आ गए हमें, ये देखो भैया वापस ले आए, वापस रिपीट हुआ है ऑर्डर। इन्होंने बड़े ही प्यार से एक लेग पीस इंद्रजीत भाई को दे दिया है लेकिन इनका मन ये नहीं कर रहा है कि लेग पीस ये मेरे को भी देते क्योंकि मैं बोल नहीं रहा और ये लेग पीस मेरे को दे नहीं रहे लेकिन इंद्रजीत भाई ने चुपचाप से मेरी प्लेट में डाल दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इंद्रजीत भाई को दूंगा क्योंकि मैं खा लेता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं ये अजय भाई को भी दे सकता था लेकिन ये जो इंद्रजीत भाई है ना ये रोने लगते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं वो करके, इसीलिए मैंने इनको दे दिया कि ताकि ना रोए। देखो लेग देने के पीछे रीजन था इतना बढ़िया पीस ये है। देखो इंद्रजीत भाई ऑटोमेशन में है लेकिन अभी भी है ना कहीं फायदा देख रहा है, ये वैसे भी कंपनी का फायदा दिखाते हैं ऑटोमेशन में। और यहाँ पे देखो अपने चिकन लेग पीस तो दिया है लेकिन उन्होंने अपना एक अच्छा सा पीस निकाल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल लेग पीस है वो मैं टेस्ट करने जाता हूँ। देखिए टेस्ट बहुत सुपर, बहुत अच्छा टेस्ट है। धीरे धीरे मजा आ गया, मजा आ गया।
बिल्कुल गर्मा गर्म लेग पीस। ये देखो गर्म है, पता मैं भी लेग कितना खींचता। यहाँ पे देखो ये अपने ढूंढा डांडी कर रहे हैं। इस पर मैं ढूंढ रहा हूँ कि लेग पीस मिला कि नहीं मिला। एक पीस ये मिला है भाई, एक मुर्गे में मिला है, एक मुर्गे में दो ही लेग होते हैं। तो गौतम भाई आपको जो मुर्गा होता है वो आगे के लेग पसंद है या पीछे के लेग पसंद है? नहीं मुझे आगे पीछे दोनों पसंद है। अच्छा इनको आगे और पीछे के लेग दोनों पसंद है। गाइस जब आप बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि अभी हमने खाना जो टेस्ट किया है बहुत अच्छा खाना है, चिकन रारा हमने ऑर्डर किया था, तो चिकन रारा इज द बेस्ट। अभी यहाँ पे बहादुरगढ़ में अगर कहीं पे खाया है तो चिकन रारा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। ड्रिंक्स इन्होंने जो मेरे दोस्त हैं भाई लोग हैं इन्होंने एंजॉय करी है बहुत अच्छी। जो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक एंजॉय किया था सुपर। जैसा कि अभी हमने खाना टेस्ट किया है तो उसके बाद में अभी गौतम भाई बताएंगे कि लास्ट फाइनली रिव्यूज क्या है। जैसा कि हमने बहादुरगढ़ में कई जगह चिकन खाए हैं और ये सेंट गुलुची होटल मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। और यहाँ का फाइनल रिव्यू बताऊँ तो जो भी मुझे मैंने चिकन आरा खाया है, चिकन आरा जो ब्रांड है यहाँ का एकदम मस्त सुपर और टेस्ट में एकदम स्पाइसी मस्त। अगर आप भी आएंगे और खाएंगे तो लगा कर कहा हमने चिकन खाया। और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है जो हमें हर चीज हर टाइम पर प्रोवाइड करवाया है। अब हम चल रहे हैं ढोल बजाने नीचे पिंट बलोची में और आपको ढोल बजा के सुनाते हैं पिंट बलोची में। कभी का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मैंने ढोल नहीं पकड़ा है, लेकिन आज आपको पहली बार ढोल बजा कर दिखाऊंगा कि ढोल बजाया कैसे जाता है। तो दोस्तों का कहना है कि मैं बहुत अच्छा ही ढोल बजा लेता हूँ जबकि मैंने पहले कभी भी नहीं बजाया है और आज मैं इन लोगों के सामने ढोल बजा के दिखाता हूँ कैसा मैं ढोल बजा। अभी तक इन्होंने बस टेबल ही बजाई, टेबल ही बजाता हूँ और टेबल बहुत अच्छा ही बजा लेता हूँ और आज मैं ओरिजिनल ढोल बजा के दिखाता हूँ। चलते हैं नीचे। तो गाइस फ्यूजन में खाना खाने के बाद में अब आ गए हैं हम पिंड बलूची में और यहाँ पे ये वो अंकल बैठे हुए हैं पिंड बलूची वाले, उनके हाथ में जो डंडा है वो नहीं है आज, उनका डंडा पता नहीं किसने गायब कर दिया है। तो गौतम भाई परमिशन लेने जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए। तो गौतम भाई तो परमिशन लेके चले गए, इनके हाथ में जो ये डंडा हुआ करता था ये आज गायब है। तो अब हम चलने वाले हैं अंदर। परफेक्ट है ना ये, इनको ये सारी कलाओं में निपुण है ये। ये देखो बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गौतम भाई, मजा आ गया, क्या बात है। और इसी पे इन्होंने अपना मोबाइल भी वार दिया और इन्हीं को दे देंगे अभी देखना। बहुत बढ़िया गौतम भाई। हम चलने वाले हैं अपने घर की ओर और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस अब निकल गए हैं अपने घर की ओर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।